हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और इसे और ब्यूटीफुल बनाया है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने। बट आजकल हम बच्चों इन बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर काफ़ी वरिड है। इनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, स्कूल की वजह से तो बढ़ ही गया है, बट ऐसे भी बच्चे दिन भर स्क्रीन देखते रहते हैं। सो ऐसा क्यों है और कैसे इसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के स्क्रीन टाइम के साइड इफेक्ट्स तो हम सभी जानते हैं। सो मैं आपके साथ कुछ डूज एंड डोंट शेयर करना चाहूँगी, जिसके इस्तेमाल से शायद आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकें और उनमें अदर डेवलपमेंट करा सकें। सो सबसे पहला टिप्स है कि बच्चे इतना स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ गया उनका, क्यों इतने स्क्रीन देखते हैं। सिंपल है, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं। हम लोग भी दिन भर स्क्रीन पे ही लगे रहते हैं, जॉब की वजह से तो लगे ही रहते हैं, बट अदर चीज़ें भी हैं जो हम दिन भर स्क्रीन पे ही करते हैं एंड हम लोग उन्हें टाइम नहीं दे पाते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्साइटेड है अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए, नए नए बातें बताने के लिए या आपसे सुनने के लिए, बट हम लोग ये बता नहीं पाते हैं तो वो भी वही करते हैं जो हम कर रहे हैं। कुछ है नहीं देखने के लिए, बोलने के लिए, तो बच्चे भी स्क्रीन देखते हैं। सो प्लीज़ इसे बंद करिए, रिड्यूस करिए, जितना हो सके उतना रिड्यूस करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी दूसरी टिप्स है उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे हैं, मीन्स 2 to 3 ईयर्स ओल्ड। इनका कैसे है कि इनको अपनी एक्टिविटीज़ करनी आती नहीं है, तो ये हमें करानी पड़ती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इनके डेवलपमेंट का, ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज चल रहा है। सो इन पे हमें खास फोकस करना है, इनके लिए हमें खास टाइम निकालना है। जब हम लोग बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ कराते हैं, सपोज खाना खिला रहे हैं, तो पेरेंट क्या करते हैं, बच्चों को खुद ही मोबाइल दे देते हैं या दूसरे टीवी वगैरह लगा के देते हैं, ताकि बच्चा ज़्यादा खा सके और जल्दी ख़त्म कर सके। पर ये उनके लिए उतना यूज़फुल नहीं है। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद बच्चों के साथ बातें करिए। बच्चा छोटा है, बोल नहीं सकता, पर वो आपको समझ सकता है। सो आप उनके साथ बातें करिए, उनको स्टोरीज सुनाइए, स्टोरी बुक दिखाइए, अलग अलग पिक्चर्स दिखाइए, गाना गाइए। सो इससे उनका इमेजिनेशन बढ़ेगा। अगर स्टोरी में आ रहा है जंगल है, शेर है, तो वो सोचेगा कि ये शेर का पिक्चर है, जंगल ऐसा होता है। उनका इमेजिनेशन बढ़ेगा, उनका स्पीच अच्छे से डेवलप होगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस कि ये बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो आपको टाइम निकालना ही है। मेरा नेक्स्ट टिप्स है उन बच्चों के लिए जो थोड़े बड़े हैं, स्कूल गोइंग है। इनको अपनी चीज़ें तो करनी आती है, मीन्स ये खुद का खाना खुद वगैरह खा लेते हैं, पर फिर भी ये टीवी के सामने बैठते हैं। तो टीवी के सामने खाना खाने की आदत या हर चीज़ करते वक्त स्क्रीन की आदत तो छोड़नी ही है, बट आपको और एक चीज़ इन्हें सिखानी है कि अपना खुद का काम खुद करें, मीन्स क्लीनिंग करना है या फिर कुकिंग करना है, इसमें इनको इन्वॉल्व कर लीजिए। सो ऑटोमेटिकली उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा जब ये करेंगे। उनको भी एक्साइटमेंट लगता है नई चीज़ें सीखने का, उनको भी बहुत इच्छा है नई चीज़ें सीखने की। थोड़ा टाइम लेते हैं वो सीखने के लिए, हमें थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना पड़ता है, बट करिए ये चीज़ें। और ये करते वक्त आप उनसे बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ वर्बल गेम्स भी खेल सकते हो उनकी एज के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कि अलग अलग फ्लावर्स के नेम बताना है, वेजिटेबल्स के, सिटीज़ के, कंट्रीज़ के, या और भी कुछ और चीज़ें, या टेबल्स बताने हैं, स्किप काउंटिंग कर सकते हो, स्किप काउंटिंग बाय 2, स्किप काउंटिंग बाय 5। सो अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड इंटरेस्ट आप इससे खेल सकते हो। और क्या करना है, जब आप ये गेम खेल रहे हो, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, तो उसे उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप अप्रिशिएट करते हो तो ये बच्चों को बहुत खुशी देता है कि यस, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश है। और क्या होता है, वो बोर नहीं होते हैं, उन्हें और एक्साइटमेंट आता है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये बताऊंगा, वो बताऊंगा, तो वो अवेयर हो जाते हैं। अगर सिटीज़ के नाम है तो कहीं दूसरे सिटी के नाम सुनते हैं तो वो अवेयर रहते हैं कि हाँ, ये सिटी का नेम है, वो अपने मेमोरी में उसे याद रखते हैं। और फिर आपके साथ नेक्स्ट टाइम खेलते हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करिए, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। ये उन्हें समझाएगा या उन्हें लगता है फिर कि हमने ज़्यादा एफर्ट्स लेने हैं,
किसी दिन अगर वो एफर्ट्स नहीं ले पाते हैं तो उस दिन भी उनको ये बोलिए कि अगर आप और एफर्ट्स लोगे तो मैं ज़्यादा खुश होगा, तो वो एफर्ट्स लेना सीखते हैं इससे। सो ये टिप्स आप यूज़ कर सकते हो। जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि बच्चों के जो स्कूल के प्रोजेक्ट मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन प्रोजेक्ट को नेट इंटरनेट से सर्च करते हैं और वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। बट ये प्रोजेक्ट दिए ही इसलिए है कि बच्चों का क्रिएटिविटी बढ़ सके, बच्चों का माइंड डेवलप हो सके। आपको आइडियाज़ लेने हैं, हर जगह से आप आइडियाज़ ले सकते हो, बट आपको सेम रेप्लिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद करें, अपने दिमाग से करें। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ज़्यादा मीन्स आपका ब्रेन क्रिएटिव है, बट वो क्रिएटिविटी बाहर निकल के नहीं आती है क्योंकि आपको रेडीमेड मटेरियल मिल गया है। सो बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए। फ्यूचर में जब सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएगी, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई है, हर जगह मशीन्स ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है। सो जब हमारे बच्चे जॉब के लिए जाएंगे तब ये बहुत ज़रूरी है कि उनमें उनकी कुछ यूनिकनेस रहे, उनकी क्रिएटिविटी उनको यूनिक बनाती है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उन्हें यूनिक बनाता है। सो बच्चों में ये क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करिए, इससे वो बच्चे फ्यूचर रेडी भी होंगे, उनका स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस होगा और आपकी लाइफ हैप्पी बनेगी, ब्यूटीफुल बनेगी, आपके बच्चों की लाइफ ब्यूटीफुल बनेगी। सो ये मेरे कुछ टिप्स थे। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching my video.